ने जो इंडिया गठबंधन से हैं, जामताड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं जी, उन्होंने सीता सोरेन पे कमेंट्स किया है कि रिजेक्टेड माल को जो बीजेपी यहाँ पे खड़ी कर दी है जी, क्या कहेंगे ऐसे? देखिए, ये आपके माध्यम से ही मुझ तक जानकारी आई है, क्योंकि मैं भी काफ़ी व्यस्त प्रोग्राम में रहा हूँ, इस वजह से मैंने भी इस बात की जानकारी बहुत उठा नहीं पाया हूँ और इरफान जी से मेरी बात नहीं हो पाई है। आप ही के माध्यम से थोड़ी जानकारी आई है कि किस परिस्थिति में ये बातें आई हैं, ये वही बेहतर बता पाएंगे। सर, इस पे FIR भी दर्ज कर लिया है। और जैसा कि मैंने कहा कि मुझे आपके माध्यम से सोशल मीडिया और न्यूज़ और अखबार के माध्यम से मुझे जानकारी आई है कि इस परिस्थिति में ये बयान आया है, ये बेहतर इरफान जी बता पाएंगे, मेरी बात नहीं हो पाई। क्या लगता है कि जिस तरह राजनीतिक प्रतिद्वंदी के दौर पे इस तरह का जो है कटाक्ष करना सही है? महिलाओं पर क्योंकि महिलाओं को लेकर जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा या इंडिया गठबंधन एक सम्मान दे रही है, अब वैसे में इरफान अंसारी का इस समय उनका जो इस तरह विवादित बोल बोलना और संसदीय बात कहना कितना सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है ये बात, अगर उन्होंने कही है तो ये गलत है, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, उनको इस चीज़ के लिए अपनी बात को स्पष्ट करना चाहिए कि किस परिस्थिति में ये बात आई है, अगर बोला है तो इसका खेद उनको प्रकट करना चाहिए। उनके पास कोई ना नेता है ना होगा, क्योंकि वो मुद्दा विहीन पार्टी है, चेहरा विहीन पार्टी है, कहाँ से एक आए हैं आसाम छोड़ छाड़ के यहाँ डुप्लीकेट नाम लेकर के घूम रहे हैं, पता नहीं 2-3 महीने से यहाँ देखा जा रहा है उनको, अखबार के माध्यम से मैं भी देख रहा हूँ, टीवी के माध्यम से जान रहा हूँ, पता नहीं अपना प्रदेश छोड़ के उस प्रदेश का क्या हाल हो रहा होगा जिस प्रदेश को छोड़ के आए हैं। उनको तो मैंने पिछली बार ये बात को रखा था आप ही के बीच में कि अभी चूंकि कोड ऑफ कंडक्ट है तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, निवेदन भी विचार नहीं होगा, लेकिन मैं जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट ख़त्म होता है मैं सरकार से आग्रह करूँगा कि इनको यहाँ की नागरिकता मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा।